हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपको आज इसी वीडियो में नियोस का जो बेस वेरिएंट है उसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया है उसके बारे में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किसका कितना प्राइस है और ये टोटल मॉडिफिकेशन करने में कितना मेरे को कॉस्ट आया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा टायर के पास, ये जो टायर के पास जो व्हील कैप है ये मेरे को पड़ा करीब 1400 का 4 सेट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड में दिख रहा है आपको ये क्रोम हैंडल, इसका प्राइस करीब 750 के आसपास कुछ था। मैं प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको एक्यूरेट पता चल सके, क्योंकि मुझे अभी उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद 3 नंबर प्रोडक्ट है ये आपका रेनवाइजर, इसका भी कुछ प्राइस मेरे को याद नहीं आ रहा है, 650 ऐसा कुछ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है आपका ये पीछे आप देख रहे हैं, ये जो है बम्पर प्रोटेक्टर, इसका प्राइस करीब मुझे 2200 के आसपास पड़ा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप कैमरा देख रहे हैं, बैक कैमरा, ये 1400 का है, 1400। हाँ, और एक है ये फैंसी आइटम है, ये जो देख रहे हैं रूफ रेल, दोनों को मुझे करीब 2200 सॉरी 2800 का पड़ा शायद 2 ठो। और ये एक तो फैक्सिन एंटीना है, इसका प्राइस 650 सॉरी 550 मेरे को पड़ा। और ये क्रोम गार्निश है, क्रोम गार्निश का भी प्राइस 1350 के आसपास मुझे पड़ा। तो इतना ही है, आउटसाइड आपको मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही है। आप गाड़ी को देख सकते हैं इसका लुक कैसा दिख रहा है, करीब ऐसा ही दिख रहा है। व्हील कैप थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इसी वजह से गाड़ी का लुक काफ़ी एनहांस हुआ है। अब चलते हैं अंदर में, मैंने क्या क्या चीज़ें करवा है उसको दिखाऊंगा। सबसे पहला एंट्री करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक 9 इंच का एंड्रॉयड का ये स्टेरियो दिख रहा है। ये जो एंड्रॉयड का स्टीरियो है ये काफ़ी अच्छा है, धूप की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, रुकिए मैं इसका कुछ करता हूँ, इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ आपको ठीक से दिखेगा। ये छोड़िए, आपको पता चल ही रहा होगा, ये एक एंड्रॉयड है और इसका प्राइस करीब 11500 मुझे पड़ा फिटिंग के साथ। ये सब फ्रेम के साथ आता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा जो चीज़ है यहाँ, मैंने एक तो आर्म रेस्ट लगवाया है, आर्म रेस्ट देख रहे हैं ये, यहाँ पे आप सामान कुछ रख सकते हैं। और इसका फिटिंग जो है वो बॉडी में हुआ है, ये जो बॉडी है यहाँ नीचे यहाँ पर हुआ है फिटिंग, तो अच्छा है यूज करने में, ऐसे ऐसे स्लाइड भी होता ही है, चलाने के टाइम आप यहाँ पर हाथ रख के यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद अंदर में ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये एक तो LED मैंने लगवाया है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा ये लाइट, तो आप देख लीजिएगा इसको क्या कितना प्राइस पड़ता है। और जो सीट कवर आप लोग देख रहे हैं ये कंपनी ने प्रोवाइड किया था, शोरूम वाले ने मेरे को प्रोवाइड किया था, नॉर्मल वाला है, इतना अच्छा क्वालिटी का भी नहीं बोल सकते, ख़राब भी नहीं है। और ये एक तो मैट, नॉर्मल वाला मैट, अंदर में मैंने मैटिंग करवाया, ये आप देख रहे हैं इसका क्वालिटी ऐसा है, ये 1800 का मेरे को पड़ा मैटिंग का। और यहाँ पर मैंने JBL का स्पीकर लगवाया है चारों, वो तो मैं दिखा नहीं सकता कैसा है, लेकिन चारों JBL का स्पीकर लगाया हूँ मैंने टोटल। और तो ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में, मेरे को टोटल कॉस्ट जो पड़ा वो करीब 32,000 के आसपास पड़ा, ये चारों ये सब चीज़ मिला के। और मेरे को ऑन रोड पड़ा था 5.6 लाख, तो करीब 6 लाख के अंदर। आप बताइए कि कैसा दिख रहा है इस गाड़ी का लुक, फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से मैं कुछ किया नहीं हूँ इस एक्चुअली, इसको फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है, कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है, गाड़ी बेस वेरिएंट है, लेकिन इसके वजह से इसका जो मिरर है ये ब्लैक कलर का है,
नहीं तो गाड़ी अच्छा दी अच्छा ही दिख रहा है। आपको कैसा लगा मेरा मॉडिफिकेशन नीचे कमेंट कीजिए, और कुछ हेल्प चाहिए गाड़ी के बारे में तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। ओके थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।